नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे रायपुर में अनियमित कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन, जहां नया रायपुर के तूता धरना स्थल पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। 10 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदेश भर से पहुंचे सभी विभागों के अनियमित कर्मचारी नियमित करने की मांग को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अनियमित कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें हर बार इस बात का आश्वासन दिया जाता है कि उन्हें नियमित कर दिया जाएगा, लेकिन बावजूद उसके उनको इंतजार ही करना पड़ रहा है और अभी तक उनको नियमित नहीं किया गया है। रायपुर से खबर है, जहां प्रदेश भर से अनियमित कर्मचारी पहुंचे हुए अपनी मांगों को लेकर, और उनका ये कहना है कि प्रदेश सरकार ने नियमित करने का जो वादा किया था उसे पूरा करना चाहिए। लगातार ये प्रदर्शन पहले भी करते रहे हैं, बीच में प्रदर्शन थम गया था क्योंकि इन्हें एक भरोसा दिया गया था कि जल्द ही सरकार सभी अनियमित कर्मचारियों को नियमित करेगी, लेकिन एक लंबा समय निकल जाने के बावजूद अभी तक सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया है, जिसे लेकर अनियमित कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया है। नया रायपुर के तूता धरना स्थल पर यह प्रदर्शन किया गया। छत्तीसगढ़ प्रदेश के अनियमित कर्मचारी जो है वो तूता धरना स्थल पर प्रदर्शन के लिए डटे हुए हैं। सीधे तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रदेश भर से जो सैकड़ों कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर पहुंचे हैं। लंबे समय से नौकरी कर रहे हैं लेकिन उनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो रही है। अनियमित कर्मचारी नियमितीकरण समेत कई मांगे कर रहे हैं। इसके साथ ही जो है छत्तीसगढ़ वेयर हाउस से जुड़े जो कर्मचारी अपने मांगों को लेकर डटे हुए हैं, बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं और दर्शन कर रहे हैं। मांगे क्या हैं आप लोगों? देखिए, हमारी मांगे जो प्रदेश के शासकीय विभागों में कार्यरत अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण, निकाले गए कर्मचारियों की बहाली, जो न्यून वेतन पाने वाले कर्मचारी हैं उसको न्यूनतम वेतन देने, अंशकालीन से पूर्णकालीन करने, आउटसोर्सिंग, ठेका, सेवा प्रदाता, स्व सहायता समूह या समिति के माध्यम से कर्मचारी रखे गए हैं उनको विभाग सीधे विभाग से रखने, इन सारे मुद्दों को लेकर के हम यहाँ पर ध्यानाकर्षण सभा कर रहे हैं। इसी मिनिस्टर से बात हुई, शासन स्तर पर बात हुई है, क्या कुछ कह रहे हैं? हम अपनी लेटर तो अभी सभी नेता मंत्री लोगों के पास में दे चुके हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई है अभी, और अभी अगर नहीं होगा तो और हम लोग हड़ताल पे अभी बैठेंगे। तो ये आपने सुने कर्मचारियों को, उनका साफ तौर पे कहना है, लंबे समय से मांग कर रहे हैं और शासन स्तर पर भी अपनी बातें रखे हैं, अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो ये आंदोलन उग्र होगा और प्रदेश स्तर पर ये आंदोलन चलेगा और आगे बढ़ेंगे। जहां राजधानी भोपाल में आरएसएस की समन्वय बैठक हो रही है, बैठक में आरएसएस और बीजेपी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए हैं। एमपी सरकार के कामकाज और आगामी कार्यक्रम को लेकर बैठक में मंथन हो रहा है। बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शाम को पहुंचेंगे। खबर भोपाल से, जहां राजधानी भोपाल में आरएसएस की समन्वय बैठक हो रही है, बैठक में आरएसएस और बीजेपी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए हैं। एमपी सरकार के कामकाज और आगामी कार्यक्रम को लेकर बैठक में मंथन हो रहा है। बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शाम को पहुंचेंगे और ये बैठक अभी लगातार चल रही है। बड़ी खबर भोपाल से, आरएसएस और बीजेपी की समन्वय बैठक शुरू हो चुकी है। ये समाज सेवा न्यास का दफ्तर है जहां पर सारे प्रमुख पदाधिकारी चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। सबसे अहम बातें, संघ के सह सरकारवा अरुण कुमार खुद इस बैठक के लिए खास तौर पर आए हैं। वो संघ और बीजेपी के बीच का समन्वय का काम संभालते हैं और इस कार्यालय में आज अरुण कुमार बैठकर सारी रणनीति पर बात कर रहे हैं। खास करके बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा यहाँ मौजूद है, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा मौजूद है, इसके अलावा संघ के मध्य क्षेत्र के प्रशासक स्वप्निल कुलकर्णी मौजूद हैं। यहाँ पर जो बैठक है उसमें लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद अब आगे सरकार की और संगठन की कार्यशैली कैसी होगी, किस तरह उनको अब काम करना है, उस रणनीति पर चर्चा होगी। इसके अलावा जो रोड मैप बनाना है संघ के कार्यों को किस तरह आगे बढ़ाना, इसको लेकर चर्चा होगी। इसी तरह यहाँ पर आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शाम को पहुँचेंगे, एक बार फिर बैठकों का दौर शुरू होगा। तो संघ के सारे प्रमुख पदाधिकारी मौजूद हैं और अब आगे के मिशन को लेकर रणनीति के साथ ही और क्या काम करना है, इस सब की जिम्मेदारी भी संगठन को दी जाएगी। कैमरामैन संजय के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 भोपाल।